वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर एंड टुडे आई विल टीच यू सम कम्युनिकेशन स्किल्स सेंटेंसेस। नाउ सी फर्स्ट सेंटेंस। बच्चों, हम जब किसी से पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे उनसे, कैसे पूछेंगे? हाउ आर यू, इसका मतलब है आप कैसे हो। अगर कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, तो आप क्या कहते हो? मैं ठीक हूँ या हम अच्छे हैं। तो इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? आई एम फाइन, यानी मैं अच्छा हूँ, या गुड, आई एम गुड, यानी मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ। तीसरे से नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ। आप शाम को खेलने जाते हो तो आप मम्मी से कहकर जाते हो कि मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ, तो आप कैसे कहोगे इंग्लिश में? आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ। आई एम डूइंग माई होमवर्क, आपको अपने आपका एक फ्रेंड है, वो आपको बुलाने आया है खेलने के लिए कि रामू चलो खेलने चलते हैं, खेलते हैं, लेकिन आप उस समय क्या करते हो? अपना होमवर्क कर रहे हो। तो आप उनसे क्या कहोगे? आप ऐसे कहते हो ना कि नहीं मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। ओके, एंड आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं मेरा काम या अपना काम कौन होमवर्क कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आपको बोलना है। अब ध्यान रखना, अगर आपके फ्रेंड आपको बुलाने आते हैं और अगर आप उस समय अपना होमवर्क कर रहे हो या कोई भी वर्क कर रहे हो, तो आप उनसे कह सकते हो कि आई एम डूइंग माई वर्क या आई एम डूइंग माई होमवर्क। ओके, नेक्स्ट है व्हाट्स गोइंग ऑन। जब आप बैठे हुए होते हो, कुछ कर रहे होते हो, तो आपसे मम्मी पूछती हैं बेटा क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, या क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, इसका मतलब होता है क्या चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन का मतलब क्या होता है? क्या चल रहा है। ओके, आई हैव वन ब्रदर, अगर कोई आपसे पूछे कि आपके कितने भाई हैं, तो आप कहते हो कि मेरा वन भाई है या टू भाई हैं। तो जितने भी आपके भाई होते हैं, यानी कि ब्रदर हैं, वन टू, तो हम उतने बता देते हैं। अगर आपका वन ब्रदर है, आपको छोड़कर, आपको अपने आप को नहीं काउंट करना है, आपको छोड़कर आपका वन ब्रदर और है, तो आप कैसे कहोगे? आई हैव वन ब्रदर, कि मेरा एक भाई है। अगर आपके ब्रदर नहीं है, सिस्टर है, तो आप कहोगे आई हैव वन सिस्टर। ओके, यानी कि जितने भी आपके सिस्टर हैं या ब्रदर हैं, हम उतने ही नंबर बोलेंगे साथ में। अगर टू ब्रदर हैं, तो हम कहेंगे आई हैव टू ब्रदर या आई हैव टू सिस्टर। ओके, देन नेक्स्ट, आई लाइक वॉचिंग टीवी। अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा आपको क्या पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है, तो आप कहते हो ना, छोटे बच्चे तो जाता है मूवी देख, टीवी देखते हैं, यानी कार्टून देखते हैं, तो कहते हैं अरे मुझे तो टीवी देखना पसंद है। और टीवी में क्या देखते हैं छोटे बच्चे? कार्टून। तो आप कहेंगे आई लाइक वॉचिंग टीवी, मुझे टीवी देखना पसंद है या अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट है आई प्ले विद माई सिस्टर। अगर कोई आपसे पूछे, आपके फ्रेंड पूछते हैं कि भाई आप खेलने नहीं आते, आप किसके साथ खेलते हो, तो आप कहोगे मैं अपनी सिस्टर के साथ खेलता हूँ। तो कैसे कहोगे? आई प्ले विद माई सिस्टर, यानी मैं अपनी बहन के साथ खेलता हूँ। तो इस तरह से क्या है बच्चों, ये हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ सेंटेंस हैं, जो हम जब आपस में हम बातें करते हैं, तो इस तरह से हम सेंटेंस कहते हैं। तो इनको आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे।
नाउ थैंक यू हैव अ नाइस डे।